गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वील बी स्टार्टिंग विद आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रंट साइकिलिंग। एंड इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट न्यूट्रंट्स, वॉट इज़ देयर रोल इन प्लांट्स, वॉट इज़ देयर रोल इन एनिमल और ह्यूमन बॉडी। सो सी हियर वॉट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर इज़ देयर इन द लिविंग सिस्टम will go in the ecosystem, and we can say whatever there it is there in the animal or plant, the living system, it will go into the environment, right? So we have learned about two things, if you can recall, the sunlight, the energy, solar energy enters the living system, and in food chain it moves, one thing. Then we have learned about decomposition, where we have learned that the dead and detritus, everything will get decomposed, and it will be having the material which again be transferred to the environment. So decomposition ho gaya, to environment mein jo material living system mein tha wo wapas chala gaya, sunlight bahar se aayi, aur मतलब सन से सनलाइट आई और फूड चेन में एनर्जी का फ्लो हो गया। अब क्या है, जो डिकम्पोजिशन से मिनरल्स मटेरियल आपका एनवायरनमेंट में गया था, तो वो किसी न किसी मेथड से वापस लिविंग सिस्टम में भी आएगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ न्यूट्रंट साइकिलिंग। साइकिलिंग मीन्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर द न्यूट्रंट विल स्टार्ट, इट विल कम बैक टू दैट पॉइंट, राइट। सो हमारी जो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अमाउंट होगा न्यूट्रिएंट का, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज़ प्रेजेंट इन सॉइल, राइट। फॉर एग्जांपल कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, तो एवरी सच थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। उसका अमाउंट, कितना अमाउंट में आपका कार्बन या कोई भी मटेरियल है, उसे कहेंगे हम उसका स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, जो मूवमेंट होगा इन न्यूट्रिएंट्स का, देर विल बी मूवमेंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, बीट कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एयर है, वाटर है, ये सब इकोसिस्टम का कंपोनेंट है, इनमें न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होगी, ठीक है। नाउ यू सी, लिविंग के लिए टर्म होता है बायो, ठीक है, और रॉक्स के लिए टर्म होता है जियो, ठीक है, अर्थ। एंड जियो में, अर्थ में रॉक्स, एयर, वाटर, ये सब आ जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, यानी न्यूट्रिएंट्स का वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में मूव करना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल है। बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब नॉन लिविंग। बायो से जियो में जाना, जियो मतलब रॉक्स एयर और वाटर में, लिविंग से न्यूट्रिएंट्स का मूव करना, एंड फिर से जियो से वापस किस में आना, लिविंग में। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज बायो जियो केमिकल साइकिल, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होंगे, दे कैन बी ऑफ टू टाइप, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस आर दोज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, सी वेन एवर कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपका न्यूट्रिएंट यूज हो रहा है, जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ कहीं से तो आएगा। अल्टीमेटली पूरे इकोसिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर होगा। देर शुड बी अ कंपोनेंट, देर शुड बी अ पॉइंट, देर शुड बी अ एरिया वेयर दिस न्यूट्रिएंट इज इन लार्जेस्ट अमाउंट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट टू अदर पॉइंट इट इज़ बीइंग सप्लाइड। दैट एरिया इज कॉल्ड, दैट पोर्शन इज कॉल्ड रिजर्वायर। इफ द रिजर्वायर फॉर द न्यूट्रिएंट इज इन द एयर, इट इज इन द एयर मीन्स एटमोसफेयर, इफ द रिजर्वायर इज इन एटमोसफेयर देन इट इज कॉल्ड एज गैशियस साइकिल। इफ द रिजर्वायर इज इन रॉक्स, अर्थ,
इनसाइड द अर्थ, देन दिस विल बी कॉल्ड ए सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास गैशियस एंड सेडिमेंट्री टू टाइप ऑफ साइकिल्स कैन बी देयर। गैशियस में जैसे CO2, इसका रिजर्वायर कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन, इसका रिजर्वायर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन आपको पता है कैल्शियम कहाँ पे है? रॉक्स में और आपकी अर्थ में, तो वो सेडिमेंट्री टाइप का न्यूट्रन साइकिलिंग होगा। एंड फॉस्फोरस भी कैसा है? सेडिमेंट्री है। तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स। नाउ रिजर्वायर जो जहाँ पर भी लोकेटेड होंगे, ठीक है, वहाँ पर्टिकुलर कंडीशंस रही होंगी, तो मूवमेंट जो होगा, न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट रिजर्वायर से निकल के बाहर आएंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि उस रिजर्वायर में क्या मॉइस्चर है, क्या pH है, क्या टेम्परेचर है, राइट। तो फर्स्ट जो आपको एक साइकिल समझाया हुआ है, दैट इज़ कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल जो है, इफ़ यू स्टार्ट इट फ्रॉम CO2 इन एटमॉस्फेयर, यहाँ से स्टार्ट करो, CO2 जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, वो कैसे आपकी इकोसिस्टम के डिफरेंट पोर्शंस में पहुँचेगी। ठीक है, तो CO2 एटमॉस्फेयर से दो ऐसे साइकिल हैं जिससे अर्थ की तरफ आएगी। पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में यू नो CO2 इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा है अगर हम कोई फॉरेस्ट, अगर हम कोई भी पर्टिकुलरली फ्यूल और ऑर्गेनिक डेब्रिश ये सब बर्न करते हैं तो आती है। ठीक है, अब एक इसमें बीच में दे दिया टेटिटस फूड चेन। आपको पता है कि कोई भी जो प्लांट होगा, एनिमल्स वगैरह होंगे, वो डिकम्पोज होंगे, तो उनमें से भी CO2 रिलीज हो सकती है। ठीक है, एक इस साइड दिया है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी जो रेस्पिरेशन करेंगे तो उनमें से CO2 वापस किधर जाती है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एंड सेम इज़ देयर, आपको पता है जो एक्वेटिक सिस्टम होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी CO2 को एटमॉस्फेयर से किस साइड ले आएंगे? आपके वाटर में। इसके बाद जब ऑर्गेनिजम्स का डिके होता है, ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, उनकी बॉडी से भी CO2 रिलीज होता है, वो या तो वाटर में ही रह जाएगा या फिर रॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइड में देखा ना, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, ये रॉक्स हैं, इनमें बहुत CO2 है, तो इसको देखो समझो, एटमॉस्फेयर में CO2 है फोटोसिंथेसिस से, और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें जो फॉरेस्ट वगैरह जो हैं इसको ले लेंगे, CO2 को इन सिस्टम में आ गई। जब ये इधर आपका एक्वेटिक सिस्टम है, उसने भी फोटोसिंथेसिस किया, तो ये आपके पास सिस्टम में आ गई। जब रेस्पिरेशन करोगे और बर्निंग करोगे, ये बर्निंग में ना उल्टा इन्होंने एरो बना दिया, जब रेस्पिरेशन होगा बर्निंग होगा, और इधर देखो ये व्हीकल, फैक्ट्रीज, कोल वगैरह की ये सब चलेंगे, तो इसमें से CO2 निकल के वापस फिर से पहुंच जाएगी एटमॉस्फेयर में, यानी एटमॉस्फेयर से आई फोटोसिंथेसिस में, और वापस किस किस मेथड से जा रही है? बर्निंग से, कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से, एंड रेस्पिरेशन से। ठीक है, दिस वॉज योर कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो तो आपने यू हैव टू डू दैट थिंग एक बार, एंड कार्बन साइकिल से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं, वो कार्बन बायोमोलिक्यूल से बने, कार्बन कंपाउंड से बने। 49% ऑफ आर ड्राई वेट इज ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड वाटर जो है आपकी, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, उसके बाद कार्बन होता है। ठीक है, अगर हम पूरे अर्थ पर कितना कार्बन है ये ले लें, तो यू विल रियलाइज ओशन, समुंदर में सबसे ज़्यादा कार्बन है। ठीक है, यानी ओशन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के, वो भी क्या हो गए? रिजर्वायर। यानी ओशन से, रेस्पिरेशन से CO2 जाती है किसके पास? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, डू यू नो द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन कम है और आपके ओशन में कार्बन ज़्यादा है। ठीक है,
तो कार्बन साइकिलिंग जो एटमॉस्फेयर में हुई है, ओशंस में हुई है, डेड ऑर्गेनिज्म से हुई है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कार्बन साइकिलिंग होती है। ऐसा एस्टिमेट है 4×10⁻³ किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन बायोस्फेयर एनुअली। कैन यू इमेजिन, इतना सारा कार्बन फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेयर से आता है किसके पास? इकोसिस्टम के पास। 4×10⁻³ किलोग्राम पर एनम एक साल में, इतना ज़्यादा जो है। तो फिर आप सोचो, इतना फोटोसिंथेसिस से आएगा तो इतना ही रेस्पिरेशन से एंड बर्निंग वगैरह से, डिकम्पोजिशन से वापस भी जा रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन जब होता है किसी भी मटेरियल का, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह का, तो वो बेसिकली ऐसा होता है कि वो कार्बन उसमें से एटमॉस्फेयर में ना जाके आपके ओशंस में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। बर्निंग करोगे वुड्स की, फायर की, इन सब की, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाता है। तो अब आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है क्योंकि व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस इज़ योर कार्बन साइकिल। नाउ यू सी इन कार्बन साइकिल इट्सेल्फ, आई हैव सी हियर, सनलाइट फोटोसिंथेसिस हैपन एंड डिकम्पोजिशन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से CO2 आ गई प्लांट्स में, प्लांट्स से ये जो CO2 है अगर एनिमल्स में आ जाएगी, पहली बात एनिमल्स में आ जाएगी, या फिर वेस्ट होगा तो ये डिकम्पोज होके सॉइल में चली जाएगी, ओशंस में चली जाएगी। रूट्स वगैरह भी रेस्पिरेशन करते हैं, यू नो दिस थिंग। तो प्लांट से रेस्पिरेशन से वापस CO2 गई, और एनिमल जो बीच में जिसने प्लांट को खाया था उससे भी वापस CO2 गई। इधर फैक्ट्रीज वगैरह से भी CO2 रिलीज होती है। सो दिस इज़ योर कार्बन साइकिल। वी विल बी डूइंग फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन साइकिल इन नेक्स्ट वीडियो।